जब ट्रेल राइडिंग करते हैं एंड ब्रेक ढंग से अप्लाई नहीं होती है, तब भाई याद आता है कि हमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक वाली साइकिल ही खरीदनी चाहिए थी। एंड अगर आपने अभी तक साइकिल नहीं खरीदी है या फिर आपकी साइकिल में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स है एंड आप भाई उसे चेंज कराना चाह रहे हैं, तो आपकी सारी कंफ्यूजन सारे डाउट्स भाई इस वाली वीडियो से दूर हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कहीं भी पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चालू कर देना सब्सक्राइब, एंड अब बढ़ते हैं इस वाली वीडियो के अंदर। तो देखो भाई, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स का ना जो मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल सेम होता है। एक लीवर लगा होता है आपके हैंडल बार के ऊपर, उसमें एक स्टील केबल लगी होती है जो कि आपके कैलिपर पे जाती है। जैसे ही आप वो लीवर को प्रेस करते हैं, आपके कैलिपर के अंदर पिस्टन्स होते हैं, वो डिस्क की तरफ रब होते हैं एंड फिर आपके जो ब्रेक है वो लगने लग जाते हैं एंड आपकी साइकिल स्टॉप हो जाती है। एंड वही पे भाई हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक का भी सेम सीन है, बट हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में एक स्टील केबल की जगह एक फ्लूइड होता है जो कि केबल के थ्रू ही रन करता है, क्योंकि हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में फ्लूइड होता है। इस वजह से जितना आप लीवर को प्रेस करते हैं ना, उसी इंटेंसिटी से भाई ब्रेक अप्लाई होता है। अगर आप बहुत तेज लीवर को प्रेस करेंगे तो बहुत तेज ब्रेक अप्लाई होगा एंड उसी में भाई चांसेस होते हैं स्किट या फिर आपकी साइकिल पलट जाने के। अब बात करें भाई हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के डिफरेंसेस की, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई प्राइसिंग की। प्राइसिंग में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक भाई एक्सपेंसिव होते हैं, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक भाई सस्ते पड़ते हैं, चीपर होते हैं। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक की जो स्टॉपिंग पावर होती है ये हाइड्रोलिक के कंपैरिजन में ना कम होती है। हाइड्रोलिक की स्टॉपिंग पावर काफी काफी ज्यादा होती है एक मैकेनिकल के कंपैरिजन में। स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक भाई पूरा कंपोनेंट ही बहुत सस्ता आता है एक पूरे हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के कंपैरिजन में। कंसिस्टेंसी की बात करें तो भाई हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक जो कंसिस्टेंसी होती है ना, यानी कि पूरे टाइम में जब भी आप ब्रेकिंग करेंगे वो उसी इंटेंसिटी के साथ ब्रेकिंग करता है, एंड भाई पे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स में भाई ऐसा नहीं होता है। वो कभी बार भाई काफी ज्यादा ढीले हो जाते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक का यही है कि आप भाई बहुत ज्यादा हाई स्पीड में अपनी साइकिल को चला सकते हैं एंड उसमें आपको ये फिक्र नहीं होगी कि आपकी साइकिल की ब्रेकिंग नहीं होगी, क्योंकि भाई हाइड्रोलिक की ब्रेकिंग ना हमेशा बेटर होती है। एंड जब आप ट्रेल राइडिंग भी करेंगे, अगर आप हाई स्पीड में, तो आपको ज्यादा डर नहीं लगेगा एक हाइड्रोलिक के कंपैरिजन में। अब जितनी हमने अभी तक बात करी है, इस हिसाब से तो भाई क्लियरली यही पता लग रहा है कि मैकेनिकल सस्ता होता है, इतनी ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग नहीं होती है, एंड वहीं पे हाइड्रोलिक थोड़ा सा महंगा होता है बट ब्रेकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एंड इस वजह से भाई मैं आपको हमेशा एक हाइड्रोलिक के साथ ही रेकमेंड करूंगा साइकिल। अगर आप एक नई साइकिल कर रहे हैं तो ट्राई करना एक हाइड्रोलिक वाली साइकिल खरीदना, बट अगर आपको सेम साइकिल का वर्जन है एक मैकेनिकल वाली साइकिल में मिल रहा है एंड उसकी कॉस्ट अराउंड 10-15 हज़ार रुपए कम है, तो आप मैकेनिकल के साथ जा सकते हैं एंड फिर हाइड्रोलिक में उसे कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपकी साइकिल में वी ब्रेक्स है एंड आप उसे डिस्क ब्रेक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो अनटिल एंड अनलेस आपके साइकिल में कुछ इस तरीके का माउंट है तभी भाई ये चीज सोचना। अगर ऐसे माउंट नहीं है आपके सस्पेंशन फोर्क या फिर साइकिल के फ्रेम में, तो भाई डिस्क ब्रेक्स में कन्वर्ट मत कराना अपनी साइकिल, क्योंकि फिर जो उसके परफॉर्मेंस होगी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। मैंने भी ये चीज अपनी साइकिल में करवा रखी है एंड ये चीज ना बिल्कुल बेकार होती है, आपके पैसे इसमें वेस्ट ही होंगे, कुछ फायदा वाली चीज नहीं है ये। अब किन किन लोगों में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक वाली साइकिल रिकमेंड करूंगा, अगर आप भाई ट्रेल राइडिंग करना चाहते हैं एंड लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं तो प्रेफर करना हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक वाली साइकिल को लेना, क्योंकि ट्रेल राइडिंग करते समय भाई बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है ब्रेकिंग में कि ये पूरा सील्ड होता है, तो इसमें कोई भी गंदगी, कोई मिट्टी, कोई डस्ट आप ब्रेक वायर में या फिर ब्रेक के पूरे सिस्टम में नहीं जा सकती है। एंड अगर आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक खरीदना है या फिर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक खरीदना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा अमेज़न का बाइंग लिंक देखने को मिल जाएगा, उस लिंक को प्लीज यूज कर लेना। बात करें कि कौन से ब्रांड के आपको हाइड्रोलिक या फिर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक वाली साइकिल खरीदना चाहिए। देखो भाई, सबसे ज्यादा पॉपुलर रैम है, शिमानो है एंड टेक्ट्रो है इंडिया के अंदर। शिमानो के हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक ले सकते हैं, इसमें MT200 वाले इनके डिस्क ब्रेक्स आते हैं, क्योंकि सबसे चीपेस्ट हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है शिमानो की तरफ से। एंड अगर टेक्ट्रो में बात करें तो ये टेक्ट्रो के M275, M285 या फिर ओरिगा सीरीज के हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स, जो कि उनके वन ऑफ द चीपेस्ट डिस्क ब्रेक्स रहते हैं, तो इनके साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि भाई काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साइकिल्स में भी कंपनी फिटेड यही वाले डिस्क ब्रेक्स आते हैं, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स की बात करें तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स में भाई सिंगल पिस्टन आता है, यानी कि ये आपका डिस्क ब्रेक है ना, तो जो पिस्टन है वो आपके ब्रेक पैड्स को इस तरफ को फोर्स करता है एंड जो दूसरा वाला ब्रेक पैड होता है वो उसी जगह स्टक रहता है, तो आपका जो डिस्क ब्रेक है ना वो इस तरफ पुशोगे तब दोनों साइड में लगता है एंड फिर साइकिल की स्टॉपिंग होती है, ब्रेकिंग तब होती है। बट टू पिस्टन के केस में क्या होता है, आपका डिस्क ब्रेक बीच में रहता है एंड दोनों तरफ से पिस्टन जो है वो फोर्स लगाते हैं, जो ब्रेक पैड होता है वो आपके रोटर पे लगता है एंड फिर ब्रेकिंग होती है। फोर पिस्टन में क्या होता है, ये दो साइड में भाई दो पिस्टन लगे होते हैं, दूसरी साइड भी दो पिस्टन लगे होते हैं एंड दोनों ही ब्रेक पैड्स को पुश कर रहे होते हैं रोटर की तरफ एंड फिर ज्यादा बेटर ब्रेकिंग होती है। बेटर इसलिए होती है क्योंकि फोर पिस्टन वाले में ना ज्यादा सर्फेस एरिया होता है एक टू पिस्टन के कंपैरिजन में एंड जो स्टॉपिंग पावर होती है ना वो टू पिस्टन के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होती है। अब अगर आपको कुछ फोर पिस्टन वाली ब्रेक्स की रिकमेंडेशन में दूं, तो शिमानो का MT501 520 आता है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड फिर शिमानो का XT आता है 8120, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर डिस्क ब्रेक है एंड इन सभी का जो प्राइस है ये इसी ऑर्डर में इंक्रीज होता जाता है। अगर आपको SRAM के उसमें जाना है तो SRAM का कोड RSC ये भाई ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिस्क ब्रेक है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट SRAM के कॉम्पोनेट्स ना इतना ज्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं है, इंडिया में शिमानो आपको हर स्टेट में देखने को मिल जाएगा बट SRAM का आपको ऑनलाइन फोकस ज्यादा देखने को मिलेगा। SRAM भी मिल जाता है बट वो काफी सिलेक्टिव डीलर्स पे ही मिलता है। अब आपको एक
एक साइकिल से रिलेटेड ना एक लाइफ हैक मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ना ब्रेक्स को अपग्रेड नहीं करना है, आपका जो रोटर है ना अगर उसमें 160mm का रोटर है तो आप उसे 180mm का लगवा सकते हैं या फिर 203mm का लगवा सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो सर्फेस एरिया होता है ना डिस्क ब्रेक का, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड इससे जो ब्रेकिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब इसके लिए ना आपको थोड़े से कैलिपर्स खरीदने पड़ेंगे। अगली जो चीज मैं बताऊंगा ना, ये डिस्क रोटर टू रोटर भाई स्पेसिफिक रहेगी, क्योंकि जो रोटर्स होते हैं ना काफी बार जो कंपनीज है ना वो उसमें स्पेसिफाई कर देती है कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का ना ब्रेक पैड को यूज करना चाहिए। यानी कि शिमानो के काफी सारे ऐसे ब्रेक्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि मेटालिक ब्रेक पैड ही यूज करना चाहिए, तो ये चीज भी भाई आपको देखनी पड़ेगी। बट मेटालिक ब्रेक पैड से जो ब्रेकिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा बेटर होती है एक रेजिन बेस्ड ब्रेक पैड के कंपैरिजन में। बट उसके लिए भाई पर्टिकुलर आपको रोटर एंड पर्टिकुलर ब्रेक पैड खरीदना पड़ेगा। एंड एट द एंड भाई अगर आपका बजट ना एक प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे खर्चने को तैयार हो एंड उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा मैं आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक ही रेकमेंड करूंगा। आप कंपनी फिटेड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक वाली साइकिल को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी साइकिल में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है देन भी भाई आप हाइड्रोलिक में अपग्रेड कर सकते हैं अपने मैकेनिकल डिस्क ब्रेक वाली साइकिल को एंड स्टिल आपकी जो ब्रेकिंग है वो बहुत बहुत इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर आपकी साइकिल में ऑलरेडी एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है एंड आप उसकी ब्रेकिंग से खुश नहीं है, तो आप एक 2 पिस्टन वाले हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक को 4 पिस्टन में कन्वर्ट करा सकते हैं एंड उसमें एडिशनल खर्चा आएगा, बट भाई अगेन ब्रेकिंग जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी। बस भाई इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो से कुछ हेल्प हो पाई हो एंड आप अपना मैकेनिकल डिस्क ब्रेक या फिर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के बीच में डिसीजन ले पाए हो। एंड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के बीच में भी भाई मैंने आपको बता दिया कौन से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक आपको खरीदनी चाहिए और 2 पिस्टन वाले कौन से खरीदनी चाहिए, 4 पिस्टन वाले कौन से खरीदनी चाहिए, इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बता दिया। अगर आपने वीडियो को स्किप करा है तो भाई पीछे जाकर दोबारा देख लो। कई मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपनी साइकिलिंग से रिलेटेड पोस्ट डालते रहता हूं ऑन रेगुलर बेसिस। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी साइकिल से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, नीचे आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द जरूर करने की कोशिश करूंगा। एंड दैट विल बी इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है पंकज एंड आप देख रहे थे गाइडलाइन स्वेटर पंकज एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय गाइस। Thank you.